आज बेल का शरबत बन रहा है जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। आप गर्मियों में ज़रूर बनाएं और ज़रूर पिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। पेट संबंधित कोई भी बीमारी हो, गैस, कब्ज, पेट में गर्मी हो या अन्य बीमारी हो, त्वचा संबंधित जैसे पिंपल निकलना, फोड़ा फुंसी निकलना, पेट की गर्मी से जो भी बीमारियां होती हैं सब शांत हो जाती हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। या गर्मियों में आपको ज़रूर पीना चाहिए, लू भी नहीं लगती है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके फायदे मैं गिना नहीं सकती और बहुत ही टेस्टी लगता है। 10 मिनट में यह बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने 2 बेल लिया है, आप देख सकते हैं। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है, मार्केट में बना बनाए मिलता है या सब्जी मंडी में भी मिल जाता है आसानी से। बहुत ही हेल्दी होता है, आप एक बार ज़रूर बनाएं। बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, बिना गैस जलाए, बिना किसी झंझट के एक ही बेल का मैं शरबत बनाऊंगी। एक बेल से 3 से 4 गिलास बन जाता है, या आपके ऊपर है पतला गाढ़ा, आप कितना करना चाहते हैं। देखिए मैंने एक लिया है, मैं एक का ही बनाऊंगी, इसमें 3 से 4 गिलास बन जाएगा। और इस तरह से भारी चीज़ से इस तरह से ठोकना है, आप इस तरह से मारेंगे या अपने आप ही चिटक जाएगा, और जब चिटक जाएगा तो आसानी से यह खुल जाएगा। देखिए इस तरह से खींचेंगे आप तो यह निकल जाएगा। देखिए देखने में कठिन लगता है लेकिन यह बहुत आसान है। देखिए इस तरह से निकल गया, यह गुद्दा है, आप देख सकते हैं, इसी का शरबत बनेगा। चलिए इसे निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से निकाल लेना है, कोई भी आपके पास कलछुल हो या कुछ हो उस तरह से आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाता है इस तरह से दबाते हुए। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाता है, सारा निकल जाएगा। देखिए मैंने निकाल लिया है दोनों का, आप देख सकते हैं आसानी से निकल गया, बिल्कुल इसी तरह निकल जाएगा। और यह गुद्दा है, गुद्दा में थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसी में एक गिलास में पानी डाल रही हूँ। एक गिलास पानी डाल के इसे छोड़ देना है इस तरह से भिगो के, ताकि अब मुलायम हो जाए और जाली अलग हो जाएगी, आसानी से निकल जाएगा जो जालियाँ हैं इसमें बिया है। देखिए अब इसे आधा घंटा के लिए ढक के छोड़ देते हैं ताकि यह फूल जाए। अगर आपको जल्दी हो तो आप 20 मिनट में भी इसे बना सकते हैं। आधा घंटा हो चुके हैं, देखिए यह फूल चुका है। इस तरह से हाथ से इस तरह से करना है ताकि जाली अलग हो जाए और गुद्दा अलग। देखिए इस तरह से हो जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए जाली इतनी सारी ऊपर आने लगी है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है इस तरह से। अब मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इस तरह की जाली ली है ताकि इसको छान के रस अलग हो जाए और जाली अलग। देखिए इस तरह से इस पर डाल देना है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखिए इस तरह से हाथ से मिलाते हुए जाली अलग हो जाएगी और बिया अलग, और जो रस है नीचे चला जाएगा बर्तन में, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के नीचे घंटी है यानी बेल आइकन, उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया नया वीडियो देखने को मिले। देखिए जाली अलग हो चुकी है, आप इस तरह की छन्नी से भी छान सकते हैं। यह जाली अलग हो चुकी है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो बचा हुआ वह भी निकल जाए। देखिए मैंने आधा गिलास पानी डाला है इसमें, एक गिलास पहले डाला था, आधा गिलास ये यानी 1.5 गिलास, आप 2 गिलास पानी डालिएगा। ना पतला होगा ना गाढ़ा, एकदम परफेक्ट बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए सारी जालियां हैं खाली, अब कुछ भी नहीं है इसमें, इसको फेंक देंगे। देखिए आपका शरबत तैयार है। आप चीनी नहीं पीते हैं तो बिना चीनी के भी पी सकते हैं अगर शुगर के मरीज हैं, और अगर आप मीठा पीते हैं तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। देखिए मैं 2 बड़ा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अगर बेल ज़्यादा मीठा है तो आप चीनी मत डालें, अगर कम मीठा है तो आप चीनी डाल सकते हैं, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी इस तरह से मिला देनी है ताकि घुल जाए। अब इसे 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दे रही हूँ ताकि चीनी घुल जाए। अब इसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाली है यानी आइस। देखिए अब इसे मिला देते हैं, चीनी भी मिल गया, बर्फ़ भी मिल गई, आप चाहें तो इस तरह से पी सकते हैं और बिना चीनी के भी, आपको जैसा पसंद हो। देखिए यह तैयार है, आप पतला गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, यह एकदम सही बना है, ना पतला है ना गाढ़ा। थोड़ी सी मैंने पुदीना डाली है, ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें,
बड़े बच्चों सबको पसंद आने वाला है। यह बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी, दिल के मरीज वालों रोग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और एकदम मिनटों में बन जाता है, कोई भी मेहनत नहीं लगती है और बहुत ही टेस्टी बनता है, सबको पसंद आने वाला है। यह बहुत ही फायदेमंद शरबत है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, बड़े से बच्चे तक सबको पसंद आएगा। लीजिए, बेल का शरबत तैयार है, बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।